हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द टेक कोड। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोपा के बारे में। तो भाई, अगर जिन लोगों को नहीं पता कि कोपा किस जानवर का नाम है, तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा दूसरी वीडियो का, जहां पर मैंने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है कि कोपा आखिर है क्या चीज। तो पहले आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो भाई, अगर आप यूट्यूब क्रिएटर हैं तो काफी दिनों से आप देख रहे होंगे कि आपको वीडियो अपलोड करते टाइम दो ऑप्शन दिए जाते हैं कि मेड फॉर किड या नॉट मेड फॉर किड। तो अब ये दो लेवल पे था, एक तो था चैनल लेवल पे, एक था वीडियो लेवल पे। तो जिन लोगों का चैनल ही मेड फॉर किड्स है, जो वो डेडिकेटेड वीडियो बनाते हैं चिल्ड्रन के लिए, किड्स के लिए, जैसे कि पंचतंत्र की कहानियां हो गई या फिर ऐसी एनिमेटेड वीडियो जो टारगेट करती है सीधा सीधा चिल्ड्रन को, तो उनके लिए एक बैड न्यूज है। तो कोपा का जो रूल है वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो चुका है। जो चैनल पूरे तरीके से मेड फॉर किड है, जिन्होंने सेट किया हुआ था मेड फॉर किड्स चैनल लेवल पर, तो अब उनके लिए काफी ज्यादा दिक्कतें होने वाली है, कमाई में उनकी कमाई ज्यादा घटने वाली है। अब वो होगा क्यों, वो आपको बता देते हैं। इस रूल के तहत जो ये कोपा का रूल इम्प्लीमेंट हुआ, अब इसमें होगा क्या कि भाई जो भी चैनल मेड फॉर किड्स है, उनकी एक तो स्टोरी टैब छिन जाएगा, कम्युनिटी टैब उनके पास नहीं रहेगा। वीडियो जब वो डालेंगे तो उस वीडियो में भाई कमेंट भी कोई नहीं कर पाएगा। अगर आपके चैनल को कोई सब्सक्राइब करता है तो बेल आइकन नहीं मिलेगा, और जब ऐसा चैनल कोई नई वीडियो अपलोड करेगा तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगी। मैन्युअली अगर वो सब्सक्रिप्शन के टैब में जाके देखता है तो ही उसको पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर चैनल ने यहाँ पर जाकर कोई वीडियो अपलोड की हुई है। पर्सनलाइज एड नहीं आएंगे, एड काफी घट जाएंगे उनकी वीडियो पे, तो ऐसे में भाई सीधी सीधी बात है कि उनकी कमाई भी घटने वाली है, कहीं ना कहीं कमाई पर भी इफेक्ट उनकी कमाई पर पड़ेगा। अब जो आप एप्लीकेशंस में देखते हैं वीडियो YouTube की एप्लीकेशन में, तो आप उसे नीचे मिनिमाइज कर देते हैं, तो उसमें होता क्या है कि वो वीडियो चलती रहती है। अब अगर आपकी वो वीडियो मेड फॉर किड है या चैनल मेड फॉर किड है, तो भाई वो वीडियो पॉज हो जाएगी। ये तो थी बात की भाई इस जो ये रूल है उसके इम्प्लीमेंट होने के बाद क्या क्या असर पड़ेंगे। अब यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन है लोगों के मन में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जिन लोगों का चैनल नॉट मेड फॉर किड है, अब उनके चैनल पे कुछ ऐसी वीडियोस पड़ी हुई हैं जो भाई पर्टिकुलर टारगेट करती हैं चिल्ड्रन को, बल्कि उनका चैनल है नॉट मेड फॉर किड। सपोज किसी चैनल पर 80 वीडियो है, जिसमें से 78 वीडियोस नॉट मेड फॉर किड है, बाकी दो वीडियो हैं जिसमें या तो उन्होंने चिल्ड्रन को लिया हुआ है या फिर वो डेडिकेटेड है किसी बच्चों के ऊपर। तो अब उसमें क्या होगा, उन लोगों का एक कंफ्यूजन है कि हमारे चैनल का क्या होगा। तो भाई कुछ नहीं होगा, आप चैनल लेवल पे सेट कीजिए नॉट मेड फॉर किड्स, और जो है बची हुई दो वीडियोस हैं उनको करिए मेड फॉर किड्स। तो जो भी कोपा के रूल्स हैं, जैसे कि कमेंट डिसेबल होना, ये सारी चीजें केवल उन दो वीडियोस पर होंगी, तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। और अब यहाँ पर जो कंफ्यूजन है वो ये है कि जब ये रूल अप्लाई हुआ था, जब मेड फॉर किड्स और नॉट मेड फॉर किड का जो ऑप्शन आया था, तो कुछ लोगों ने क्या किया था भाई, इसको नजरअंदाज कर दिया था टोटली और चैनल लेवल पे जाके सेट नहीं किया था। तो YouTube ने कहा था कि अगर आप ऐसा नहीं करते तो हमारी मशीन लर्निंग आपको डेडिकेट, मतलब आपको डिसाइड करेगी आपका चैनल मेड फॉर किड है या नहीं है। तो अब उन्होंने ये भी क्लियर किया था कि अगर आप खुद करो तो ज्यादा अच्छा है, हमारी मशीनरी इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है कि भाई वो 100% आपको रिजल्ट दे। तो ऐसे में क्या हुआ, कुछ लोगों के चैनल नॉट मेड फॉर किड्स थे, लेकिन उनको भाई यूट्यूब ने डाल दिया है मेड फॉर किड्स में। तो ऐसे में डरने वाली कोई बात नहीं है, आप सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हैं नॉट मेड फॉर किड पर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका चैनल पे सारी चीजें दोबारा से आ जाएंगी। अब जो दूसरी बड़ी कंफ्यूजन है वो है गेमिंग चैनल। तो अब यार गेमिंग चैनल वाले सोच रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा, क्योंकि वो तो गेम प्ले डालते हैं, लाइव स्ट्रीम करते हैं। अब मैं एक चीज आपको बताना भूल गया इसमें कि लाइव स्ट्रीम भी नहीं कर पाएंगे जो भी मेड फॉर किड चैनल होंगे। लाइव स्ट्रीम भी नहीं होगी तो सीधी सी बात है सुपर चैट भी उनको नहीं मिलेगी। अब ऐसे में जो पबजी के गेम प्लेस डालते हैं, लाइव स्ट्रीम करते हैं, उनमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन है कि यार अब हमारा क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि भाई पबजी की जो भी गेम प्ले डालते हैं उसमें एक्सट्रीम वायोलेशन होता है, गोलियां वगैरह आप अगर खेलते हैं तो आपको पता है कि वायोलेशन है उसमें बहुत ज्यादा। तो वो जो कॉन्टेंट है वो किसी भी तरीके से मेड फॉर किड्स नहीं है। तो आप अपने चैनल को बेधड़क बिंदास खुले आम नॉट मेड फॉर किड कर सकते हैं और लाइव स्ट्रीम जारी रख सकते हैं, तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं है, आपका चैनल इसी तरीके से आगे भी चलता रहेगा।
भाई यहाँ पर एक बात निकल के आती है कि हम कैसे डिसाइड करें कि ये जो वीडियो है ये बच्चों के लिए है या नहीं है। उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं यूट्यूब की तरफ से, हालांकि कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है। उन्होंने बताया है कि 13 साल से कम का जो बच्चा है वो किड्स की कैटेगरी में आता है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन लॉ। अब उन्होंने पर्टिकुलर कंट्री टू कंट्री ये डिसाइड करने को नहीं छोड़ा है कि भाई इस कंट्री में ये किड्स की कैटेगरी है, ये एज डिसाइड की गई है। उन्होंने वर्ल्ड वाइड 13 साल कर दिया है। तो ये तो हमें पता चल गया कि 13 साल का जो ऑडियंस है उससे नीचे की जो ऑडियंस है वो किड्स की कैटेगरी में आएगी। अब या तो आपकी वीडियो में 13 साल से कम का बच्चा है तो आपको उस वीडियो को मेड फॉर किड करना ही पड़ेगा, या फिर आपकी वीडियो ऐसे ही ऑडियंस को टारगेट करती है जो 13 साल से कम है। अगर आप एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं जैसे कि दूसरी तीसरी या चौथी के लिए, इन क्लास के लिए आप वीडियो बनाते हैं, तो आपको उनको मेड फॉर किड करना पड़ेगा। और अगर आप एसएससी वगैरह की ट्यूटोरियल्स देते हैं या फिर 12th के हैं या फिर बीएससी के जो हायर एजुकेशन है, तो आप उसे नॉट फॉर किड्स भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर है नहीं। तो आई होप कि आपको यार ये जो सारी चीजें हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी कि ये कोपा है क्या और ये किस तरीके से काम करेगा। तो आप अब इस पे जल्दी से एक्शन ले लीजिए, अपना जो चैनल है वो मेड फॉर किड है या नॉट मेड फॉर किड है उसको डिसाइड कर लीजिए। और अगर आपकी कोई वीडियो मेड फॉर किड है तो उसको कर लीजिए, क्योंकि आप पर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है, ऐसा भी यूट्यूब ने कहा था, अगर आपका गलत पाया जाता है ये चीज। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।